भाई जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। सुबह सुबह के गर्मी है कितनी ऐसा। शॉप पे चलते हैं अंदर। ये जनाब जी कल की ना मूवी देख के आए हैं और ये व्लॉग में भी दिखी है मुझे। तो गाइस अभी नहीं, मैं निकल रहा हूँ वापस, इनको बिठा दिया कूल कूल में, ठंडे होते हुए जाएंगे एसी बस में। तो चलो, सारे जिम वाले लौंडे थे। अगर ये कल की मूवी देख, कौन सी मूवी देखी? आदि पुरुष। आदि पुरुष, आदि पुरुष देख के आया। वाह कैसी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का दिन हमारा शुरू हो रहा है घर से ही, क्योंकि ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ बस। तो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मॉर्निंग में, जैसे कि देख ही सकते हो सुबह उठा, अभी 8 बज गए, अभी निकलने लगा। पहले से तो ठीक है, पहले 6:30 निकलता था, आज 8 बजे निकल रहा हूँ। तो पहुँचते हैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस और दिन की करते हैं शुरुआत माता रानी का नाम लेके, और 5:30 निकलेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपको आराम से। लेकिन जो दिन में अगर कहीं बाहर गया तो ठीक, नहीं तो जो वहाँ पे काम होंगे वो आपको दिखाएंगे बीच बीच में अगर टाइम मिलेगा। आप भी सोचते होंगे कि एक डेली ब्लॉग डेली होता है, लेकिन क्या करें, जॉब भी करनी ज़रूरी है अभी। तो जॉब के साथ साथ दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आप दिखा ही रहे हो अच्छी, और आपकी सपोर्ट रही तो आगे आपको मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में। तो आज की दिन की शुरुआत रही, देखते हैं आज का व्लॉग कैसा जाता है। तो अब मिलूँगा सीधा ऑफिस पहुँच के, पहले मुझे कविता को भी लेना है, उनको लेने जाऊँगा, तो फिर उसके बाद सीधा मिलूँगा ऑफिस में। तो गाइस पहुँच गए हैं लेने इनको, अभी आ रहे हैं मटक मटक के। भाई जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। सुबह सुबह के गर्मी है कितनी ऐसा। चलो गाइस निकलते हैं। मैं जब ही पहुँच गया बावे पुल पे, और ये रहा माता का मंदिर, जय माता दी। तो कहते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो भाई भाई से भाई मॉर्निंग में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहुँच गया नरवाल, यहाँ पे गाड़ियों का जाम है, मॉर्निंग में आर्मी की गाड़ियाँ जा रही हैं, शायद कानवाई जा रही है। तो गाइस पहुँच गया अपनी ड्यूटी में, हो गया टाइम शुरू, दिन की करते हैं शुरुआत, क्योंकि अभी तो रश नहीं है, थोड़ी देर में रश पड़ने वाला है। तब तक अपने रेडी हो गए एकदम से, जो चेक चुक करना है अपनी लिस्ट वो चेक कर रहे हैं, देन उसके बाद काम स्टार्ट। मिलते हैं आपको दिन में लंच टाइम पे अब एक ही बार, उससे पहले तो टाइम मिलेगा नहीं। तो चलो माता रानी जी का नाम कर लेते हैं, तो करते हैं काम शुरू, जय माता। तो गाइस ऑफिस से हो गई है छुट्टी, अभी आया हूँ बख्शीनगर, क्योंकि रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पसीना इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पहले कविता को छोड़ने घर गया था, वहाँ छोड़ के अभी आया हूँ शॉप पे। थोड़ी बालों की सेटिंग ख़राब हो गई हुई है, ये थोड़ी ठीक करानी है, देन उसके बाद फिर शॉप के लिए निकलते हैं, क्योंकि वहाँ भैया भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। चलो अपने बालों की सेटिंग कराते हैं फिर निकलते हैं, अभी भैया शायद बाहर गए हुए हैं, ऋषि भैया आते हैं करवा के निकलते हैं फिर। और गाइस आज तो गर्मी भयानक है, भयानक बाहर, तगड़े साहब वाली गर्मी जिसको कहते हैं वो वाली है। चलो करवाते हैं अपनी बालों की सेटिंग, इसके बाद निकलते हैं, क्योंकि शक्ल ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल ही बदतर हो, बिल्कुल धूप में ना जैसे काली होती है ना शक्ल वैसी। तो अभी करवाते हैं अपना थोड़ा शेव शुभ करवाते हैं फिर निकलते हैं,
शेव तो वैसे गाइज मैंने सुबह खुद ही कर रही है, बालों की सेटिंग करवाते हैं फिर निकलते हैं। तो आज तो दिन में पूरी मतलब एकदम पैक था, जैसे काम का रश वो था, उसके वजह से कोई शूट ले नहीं पाया। अभी मैंने कहा यहाँ पर ले लेता हूँ छोटा सा, उसके बाद शॉप पे निकलते हैं, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है ना आज भयानक होती है, और मैं सोचता हूँ कि आम लोग कैसे काम कर रहे होंगे बाहर, या फिर हमें एसी से निकलने से होती है। तो लो जी जनाब आ गए। कहाँ गए हुए थे? मैं एक शॉप पे पहुँचा हूँ, ये कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। कौन सी ड्रिंक? तो गाइज इनके पास आ सकते हो कभी भी, एनी टाइम भी, यहीं पे रहते हैं। कटिंग करानी हो, शेव करानी हो, ट्रिमिंग करानी है, कुछ भी कराना है, इवन यहाँ तक कि क्या बालों को स्ट्रेटनिंग भी करनी है, वो भी आ सकता है, और बिल्कुल जनरल रेट पे। जम्मू में किसी ऐसी जगह पे नहीं होगा जितने जनरल रेट पे ये करके देते हैं। तो चलो, मैंने भी अपने करवाए थे, देख सकते हो, और बिल्कुल जनरल रेट, ऐसे लगता नहीं है कि बंदा करवा सकता है ये कुछ है। चलो अभी करवाते हैं तो फिर निकलते हैं, फिर आपको मिलेंगे आप शॉप पे। तो गाइज़ अपनी बालों की सेटिंग करा के निकल गया हूँ अभी शॉप के लिए। और गाइज गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, इतनी भयानक गर्मी है, और ऊपर से ट्रैफिक जाम। अरे भाई क्यों आ रहा है? तो चलो निकलते हैं, पहुँचते हैं शॉप पे। तो गाइज फ्लाई ओवर के नीचे भी गर्म हवा तो है ही है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंडक है, लेकिन गर्म हवा तो इधर भी यहाँ तगड़े सा वाली है। लगता है शाम को इस गर्मी की वजह से बारिश ना हो, पर होनी भी चाहिए यार, लेकिन क्या करें, गर्मी भी है, गर्मी तो छोड़ नहीं सकते। अभी ये दो मंथ गर्मी के हैं ये जम्मू में, ख़तरनाक वाले। उसके बाद सर्दी के भी आ जाएंगे, फिर हमें सर्दी नहीं बर्दाश्त होगी, अभी तो गर्मी है फिर सर्दी नहीं होगी। शॉप पे सबसे अंदर ये जनाब जी कल की ना मूवी देख के आए हैं, और ये व्लॉग में भी दिखी है मुझे किसी के साथ, तो मैंने इसको वो शेयर भी किया है व्लॉग कल रात को। ये कोई 6 की 7 बंदे गए हुए थे व्लॉग मतलब मूवी देखने के लिए, पूरे एक ही कलर की ड्रेस डाल के, पूरे जिम लवर्स बन के सारे। कहाँ गए थे सारे? गए थे ना। कितने बंदे थे? 10 बंदे थे। देखा, सारे जिम के, सारे जिम वाले लौंडे थे। अगर ये कल की मूवी देख, कौन सी मूवी देखी? आदि पुरुष। आदि पुरुष, आदि पुरुष देख के आया। वाह, कैसी है मूवी? मतलब अच्छी है, मतलब लॉन्डो के लिए है या फैमिली के लिए? फैमिली देख सकती है, लेकिन इतनी खास भी नहीं है, मतलब कपल्स के लिए। नहीं नहीं, हाँ ये रामायण पे बेस्ड है। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छी है। फुल रामायण देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल था, शॉर्ट था। तो चलो गाइस पहुंच गए अपनी शॉप पे। अभी डॉक्टर साहब नहीं आना है शायद, डॉक्टर चले गए या अभी? डॉक्टर अभी चले गए, अभी ओके, अभी वो चले गए। तो चलो अपनी अब दुकान पे बैठते हैं, 10 बजे निकलेंगे घर के लिए फिर। तो माता रानी जी को तो प्रणाम किए ही नहीं मैंने आज, चलो लेट ही सही करते हैं। तो अभी आया हूँ बस स्टैंड, इनको छोड़ना है, ये दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि मैंने वापस जाना है। इनको छोड़ते हैं, बस में चढ़ाते हैं, उसके बाद वापस निकलेंगे। हाँ कुछ जा रहे उसे दिल्ली, उन्हें क्या पता है, ओ लग रही कूल कूल, ओ वैसे गड्डी सही है, कूल कूल ही जाना। ये पिछली बार इधर आए चला, अगे कूल कूल है, ये नहीं है हमारा ही, वैसे ही कूल कूल चाहिए। चलो साइड पर खाना खजाना, दिल्ली जाना है। तो अभी छोड़ के वापिस जाना है इनको, तो देखते हैं इनकी कौन सी गाड़ी पसंद आती है, फिर निकलते हैं हम भी वापिस। तो गाइज अभी नहीं मैं निकल रहा हूँ वापिस, इनको बिठा दिया कूल कूल में, ठंडे होते हुए जाएंगे एसी बस में। चलो मार्केट तो लगी हुई है तगड़े साहब वाली, देख सकते हो। तो चलो मैं निकलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस भैया को छोड़ दिया, उनकी बस हो गई रेडी, उनको बिठा दिया बस में, अभी मैं निकल रहा हूँ वापस, उनकी गाड़ी छोड़नी है उनके घर पे। तो मैं फिर से शॉप पे जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था मुझे छोड़ दे बस स्टैंड, उन्होंने शायद दिल्ली जाना था इसलिए। तो गाइस बस स्टैंड की रौनक ही कुछ अलग है यार इस समय, मतलब यहाँ की वाइब्स ऐसी लग रही है कि बस मैं भी दिल्ली शायद जा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली तो नहीं जा रहा, घर वापस जा रहा हूँ। चलो हम तो निकलते हैं भाई वापस,
जब जाएंगे तब दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो चलो भैया ने शायद फोन एक देना, मुझे वापस उसी का वेट कर रहा हूँ, वो गए हैं तो देते हैं, तो मैं निकलता हूँ फिर। तो गाइस मैं निकल गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक वालों का डर रहता है कि कौन कहाँ से आ जाएगा। लेकिन रौनक तो सही भाई बीसी रोड पे ही है इस समय, मतलब बस स्टैंड के बाहर खाना खजाना हो गया, यात्रकोटा कॉम्प्लेक्स के बाहर। और एक भाई साहब मैंने एक बस देखी, इतनी मस्त बस है, बंदा 6,000 रुपए स्लीपर का बोल रहा है दिल्ली का। यार गाड़ी को देख के बंदा 10,000 भी दे दे, लेकिन 6,000 रुपए महंगा नहीं है यार। हम तो भाई 6,000 रुपए में अप डाउन कर लें, वो 6,000 रुपए का स्लीपर बोल रहा है। चलो हम तो वापस निकल गए हैं, तो पहुंचते हैं शॉप पे। जीवल वाली साइड से इसलिए नहीं गया क्योंकि उस साइड पे जाम होगा, तो मैंने कहा बख्शन वाली साइड से निकल जाता हूँ, तो इधर से निकलते हैं अभी। क्या करना, निकलना तो पड़ेगा ही। तो चलो पहुंचते हैं शॉप पे, मिलते हैं आपको शॉप पे अब। तो गाइस अभी ऐसे मैं नीरज भैया की गाड़ी छोड़ने, गाड़ी छोड़ दी उनके घर पे, अभी जा रहा हूँ वापस, निकलते हैं घर की तरफ। चलो पहुँचते हैं घर। तो अभी शॉप के बाहर जैसे पहुँच गया, अपनी बाइक लेते हैं तो फिर निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मुझे अपनी बाइक यहाँ पे लगाई हुई है। तो गाइस अपनी बाइक के पास पहुँच गए, तो चलो निकलते हैं। तो पहुँच के उठाते हैं हेलमेट अपनी, उठा ली, तो चलो निकलते हैं अभी घर के लिए।